नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में। साथियों, आज की इस वीडियो में धन प्राप्ति करने का सबसे सरल योग बताऊंगा, जिस योग से निर्धन और भिखारी आदमी भी धन वैभव से संपन्न होकर के दूसरे को दान देने में समर्थवान बन जाएंगे। जी हाँ मित्रों, हमारे चैनल का मकसद है सबका भला हो, सबका कल्याण हो। हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करके इसलिए रखें, सब्सक्राइब करके जुड़े हैं ताकि आप सभी की गरीबी और निर्धनता मिट जाए। हमारे द्वारा बताए उपाय से अगर आपकी गरीबी मिटते हैं, आपकी निर्धनता दूर होते हैं, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। हम आप लोगों को वही उपाय बताते हैं, वही सरल योग बताते हैं, वही साधारण से प्रयोग बताते हैं जो कि साधारण से साधारण व्यक्ति कर सके, नॉर्मल से नॉर्मल इंसान कर सके। तो अगर आप इस प्रकार के जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, आप भी चाहते हैं कि प्राचीन ज्ञान की जानकारी आप सभी मित्रों को होते रहे, अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे इस चैनल में आप लोगों को वही जानकारी सिखाए जाते हैं, वही उपाय बताए जाते हैं जो कि साधारण से साधारण व्यक्ति कर सके और अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सके। तो मित्रों, आज मैं आप लोगों को कुश के माध्यम से अपार धन पाने का सबसे सरल आसान संयोग बताऊंगा। जी हाँ मित्रों, कुश को हिंदू धर्म में अति पवित्र घास बताया जाता है और बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान में हम इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि इसके बिना पवित्रीकरण करना संभव नहीं है। इसके जड़ में ब्रह्मा विष्णु शिव सहित तीनों देवियों की शक्ति जैसे कि माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली निवास करती हैं। और प्राचीन ग्रंथों में ये भी बताया जाता है कि अगर इसके जड़ जिस घर में रख दिया जाए धो करके, वह घर पवित्र हो जाते हैं। बड़े बड़े शक्तियां इस जड़ के रखने मात्र से आपके पास नहीं आती, साथ ही इस जड़ को रखने से बड़े सिद्धियां भी मिलने लगती हैं और घरों में नकारात्मक शक्तियां भस्मा हो जाती हैं। और इसके जड़ विधिवत निमंत्रण करके रविवार को पुष्प नक्षत्र में, ध्यान दीजिएगा, इसके जड़ को विधिवत निमंत्रण दे करके रविवार की पुष्य नक्षत्र में खन करके लाया जाए और गंगा जल में स्नान करा करके लाल कपड़े में लपेट करके तिजोरी में रख दिया जाए तो धन की वर्षा होने लगती है और धन स्वयं चल करके आने लगती है, यानी कि पैसे खुद चल करके आने लगते हैं किसी न किसी माध्यम से। इस प्रयोग से अपार धन मिलते हैं। जी हाँ, शुभ नक्षत्र में इसे खन करके लाने और लाल कपड़े में गंगा जल से धोने के बाद, स्नान कराने के बाद आपको अपने धन वाले पेटी में डाल देने, अचानक से आप देखेंगे आपके घर में चारों तरफ से धन आने लगते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। तो आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं। यह प्रयोग करें, अपनी निर्धनता को दूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।